hello everyone welcome back to my youtube channel in this video we are going to discuss about the interview experience for genpeg company where designation is assistant manager tableau developer and tech stack is tableau so without wasting any further time let's move to the process in this video we are going to discuss about process interview rounds interview question and at the end tips to clear the interview okay let's move to the process if I talk about the process, GenPack generally takes 10 to 15 days to complete the process, and if you clear the round, HR will generally update you in next two three days after your interview. Okay. If I talk about mine uh, for round one, my interview result update gathered HR after two days, and for round two, my interview result update gathered HR after four days. Okay. So this is how the process works.

Genpek KHR generally look out for those people who are on notice period or serving notice period, maybe Jinka less than 60 who less than 30. So these guys are most preferred by GenPec company. Okay. So uh, this is how the process works. And if we talk about other methods, so you can you, you can check out the jobs on on the LinkedIn as well. You can check out their their career portal as well. Okay, and ask for the referral. But mujhe jo tha, that that's why I'm sharing only just nokri.com

सेकेंड राउंड दैट इज अगेन अ टेक्निकल राउंड वो भी थर्टी मिनट्स का ही होता है एंड बट दिस दिस राउंड इज बेसिकली मोर बेस्ड ऑन द सिचुएशनल क्वेश्चन और यू कैन से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जहां पे आपको मे बी बीटरव्यू स्क्रीन शेयर करेगा और आपको परफॉर्म करने के लिए बोलेगा क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन वुड बी अराउंड फोर टू फाइव मे बी मोर और लेस दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन द इंटरव्यूअर ओके इसके बाद आता है एचआर राउंड जैनपैक दो ही राउंड लेती है दोनों के दोनों टेक्निकल इसके बाद एचआर तो सब में रहता ही है ओके okay? तो दिस इज हाउ द राउंड वर्क फॉर द जेनपैक नाउ लेट्स मू टू द इंटरव्यू क्वेश्चन जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला था कि जेनपैक में जो मेरा इंटरव्यू था वो प्योरली टैबल्यू बेस हुआ था तो इससे ज्यादा क्वेश्चन मेरे से किसी कंपनी ने नहीं पूछे फॉर द टैब्लू सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस वन बाई वन सो इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन इंट्रोडक्शन एंड काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू हैव डन दीज आर द कॉमन क्वेश्चन इन एवरी इंटरव्यू ओके ये मैं हमेशा बोलता आया हूँ सो बी प्रिपेयर विद दिस आपके स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट इसी में जाने वाले हैं डिस्कशन अबाउट यूर प्रोजेक्ट एंड यूर सेल्फ सो इफ यू क्लियर दिस फेज तो आपका आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ओके okay, और इंटरव्यू को भी हो जाता है कि इस बंदे ने अच्छे खासे प्रोजेक्ट किए हुए हैं सो वी कैन कंसिडर दिस ओके देन आता है आपके टेक्निकल स्किल्स ओके सो इफ टॉक अबाउट द टैब्लू टैबल्यू में पहला क्वेश्चन पूछा गया था वट इज ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन एंड वेर इंक्लूड एलओडी स्टैंड इन देशन ओके सो वी नो द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन हाउ ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन वर्क बट अगर आप ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन चेक करोगे तो उसमें एलओडीज का भी स्टैंड आउट आता है की कि एलओडीज किससे पहले आते हैं फिक्स एलओडी किससे पहले आता है इंक्लूड एल ओडी किससे पहले आता है या फिर किसके बाद आता है ओके सो चेक आउट दिस order of operation and where LOD stands in the order of operations. Okay. Second question tha, what is join and ab iske baad aaya tha ki then what is data blending and what is the difference between them? Okay. So join jo hota hai, hum single data source ke liye use karte hain, blending multiple data source ke connect करने के लिए use करते हैं Join जॉइन जो होता है वो डेटा को एक टेबल में मर्ज करता है और डेटा ब्लेंडिंग दोनों को सेपरेट रखता है okay. और और डेटा ब्लेंडिंग में कौन सा ज्वाइन यूज होता है तो डेटा okay. so, मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि worked, uh, बारे में वट इज कलेक्ट फंक्शन डू एंड वट इज फाइंड फंक्शन डू ओके कलेक्ट फंक्शन मुझे उस टाइम पे याद नहीं था बेसिकली कि, uh, कि क्या करता है बट मुझे फाइंड याद था ओके सो प्लीज चेक आउट दीज दीज टू

फिर मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वट इज कंटेक्ट फिल्टर ओके तो मैंने बताया था कि कंटेक्ट फिल्टर ये होता है तो मुझसे पूछा गया था कि वट इज द डिसएडवांटेज ऑफ कंटेक्ट फिल्टर ओके अगर हम इसको समराइज करें तो डिसएडवांटेज ये होते हैं कि अगर जो मैंने कंटेक्ट फिल्टर डिक्लेयर किया हुआ अगर उसमें उसमें मेरे को बार बार चेंजेस करना पड़ रहा है तो टैब्लू को अगेन एंड अगेन एक टेम्परिरी टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके बेस पे फिर सारे के सारे फिल्टर वर्क करेंगे तो वो बहुत ही यू कैन से प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज कर देता है और डैशबोर्ड की स्लो कर देता है तो कंटेक्स फिल्टर की

ओके यस ग्रुप इज स्टैटिक एंड एंड फिर आता है कि uh, कि व्हाट अबाउट सेट्स सो सेट इज स्टैटिक एज वेल एज द डायनेमिक सो यू शुड नो की ग्रुप्स ओनली स्टैटिक होता है और सेट्स होता है वो डायनेमिक भी होते हैं क्योंकि हम इसमें डायनेमिक वैल्यू चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग पैरामीटर्स करेक्ट तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हैव यू वर्क विदवान्स चार्ट देन आई सेट येस तो मैंने बोला था मैंने ये मैंने डोनट चार्ट यूज किया क्योंकि डोनट चार्ट को मैंने काफी जगह यूज किया है तो मैं इसको हमेशा मैं करता हूँ तो मेरे से पूछा गया कि वाई वी यूज डोनट चार्ट वट्स द बेसिकली यूज ऑफ द डोनट चार्ट एंड वेयर यू हैव यूज इन इन योर प्रोजेक्ट सो आई एक्सप्लेन द कंटेक्स वेयर आई हैव यूज इन माई प्रोजेक्ट ओके ज हाउ यू कैन एक्सप्लेन सो एक क्वेश्चन था कि लेट सेव थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट विद सेल एंड यूजर वॉन्ट टू सी ऑल ऑफ दू विडर तो इसका आंसर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि अगर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट विध से है और यूजर सब के सब देखने हैं तो इसके लिए कौन सा चार्ट आप प्रेफर करोगे लेट मीनो इन द कमेंट सेक्शन ओके आई विल रिवील द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो ओके सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन में से पूछा गया था कि लेट्स वी हैव अ रीजन

थर्ड और फोर्थ हटा देते हैं ना अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करके देखोगे तो वो क्या करेगा टैब्लू उसको फिफ्टी फिफ्टी में डिवाइड कर देगा ओके टैब्लू डोंट नो कि अभी क्योंकि टैब्लू जो वैल्यू कंसिडर करता है जो वैल्यू व्यूज में होती है उसके बेस पे ही डेटा डिवाइड करता है ओके okay, तो इसके लिए इसके लिए क्या अप्रोच हम यूज करेंगे कि रीजन रीजन फर्स्ट के लिए 20 ही दिखाए और रीजन सेकंड के लिए 30 परसेंट ही दिखाए सेल्स ना कि 50 50 अगर हम थर्ड और फोर्थ को रिमूव कर देते हैं ओके okay, तो इसके लिए हम फिक्स एलओडी यूज कर सकते हैं ओके यू कैन ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फिर मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हैव यू वर्क विद द टेबल कैलकुलेशन देन आई साइड येस फिर इस पे क्वेश्चन आया था कि वट ऑफ़ टेबल कैलकुलेशन यू हैवज इन योर प्रोजेक्ट सो आई साइड की मैंने ये यूज की गई की है आई यूज परसेंटेज डिफरेंस परसेंटेज ऑफ टोटल ईयर ऑफ ईयर ग्रोथ मैंने यूज की हुई है तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन ऑल दिस ओके

मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच कनेक्शन यू आर यूजिंग इन योर प्रोजेक्ट एंड वाई सो हम अपने प्रोजेक्ट में एक्सट्रैक्ट यूज कर रहे थे और एक्सट्रैक्ट यूज करने का रीजन यही होता है कि हमें हमारा जो डेटा था हमें लाइव डेटा नहीं चाहिए था हमारा मंथली रिफ्रेश था तो इसके लिए हमने वो किया था और हमें पूरा का पूरा डेटा नहीं चाहिए था हमें लास्ट थ्री इयर्स का डेटा चाहिए था सो सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग एक्सट्रैक्ट ताकि डैशबोर्ड की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए ओके फिर मेरे से लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सप्लेन वन ऑफ योर लिटी एज वेल ओके सो ये आपकी नॉलेज चेक करने के लिए होता है कि आपने किस टाइप के डैशबोर्ड क्रिएट किए हुए हैं ओके सो आई एम नॉट से आपको हमेशा एक बहुत ही कम्प्लेक्स आपने इतने सारे चार्टूज किए हैं ये एक्सप्लेन करना है आपको जस्ट शो करना है कि उसमें क्या कंप्लेक्सिटी थी जो आपने अच्छे से सोल्व की है ओके लेट्स से आप ये बोल सकते हो कि हमने ऐसे ऐसे चार्ट्स यूज़ किए हैं हमने उसमें आ, उसमें रो लेवल सिक्योरिटी यूज की है ओके और उसमें हमने ये फंक्शनैलिटी यूज़ की है इस इस फंक्शनैलिटी से हमने ये किया था ये हमने ऐसे अचीव किया था और ये 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 पर्टिकुलर चार्ट्स यूज करने के लिए के पीछे ये रीज़न था ताकि हम इसके पीछे ये शो कर पाए ये 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 तो आप एक पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ओके तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन था कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी सो यहाँ पे अगेन मैंने जो मैं अपनी एक स्पेसिफिक लिस्ट बना के रखता हूँ मुझे लास्ट में ये क्वेश्चन पूछने हैं तो मैं हर इंटरव्यू से वही क्वेश्चन पूछता हूँ बेसिकली तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि हर इंटरव्यू में एक अपनी लिस्ट बना के रखो कि आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं तो वही क्वेश्चन हमेशा पूछते रहो बार बार ओके सो दीज आर द क्वेश्चन दैट वर टू मी इन राउंड वन द राउंड टू सो राउंड टू अगेन टेक्निकल राउंड जहां पे पहले ही मेरे को बोला गया था कि आपका हैंड्स ऑन राउंड होगा बी रेडी विथ दिस सो ये राउंड जो लिया था बहुत ही आई वुड से की बहुत ही हम्बल इंटरव्यूअर था एंड बहुत ही जोली नेचर के और इतना स्मूथ और इतना इतना इंजॉय मेरे को लगाना इंटरव्यू देते हुए मतलब पहली बार मेरे को लगा कि इंटरव्यूर भी इतने अच्छे होते हैं ओके सो दिस इज वेरी वेरी गुड राउंड फॉर मी आई डिस्कस आफ्टर द क्वेश्चन ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन तो अगेन प्रोजेक्ट एंड योर डे टू डे एक्टिविटीज एंड योर इंट्रोडक्शन ओके तो ये हुआ ये सब डिस्कशन हुआ आई एक्सप्लेन कि मैं मैं अपने प्रोजेक्ट में क्या करता हूँ व्हाट्स वट्स द यूज ऑफ माई प्रोजेक्ट वी आर वर्किंग ऑन दिस वॉब वी आर सोलविंग सब एक्सप्लेन किया फिर फिर मेरे से फिर मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था टेल मी दैक्ट फाइव प्रैक्टिस ऑफ टैब्ल्यू ओके सो आपको पता होना चाहिए कि क्या बेस्ट प्रैक्टिस होती है एक डैशबोर्ड बिल्ड करने के टाइम पे ओके okay, आप स्टार्ट कर सकते हो कि बिफोर बिल्डिंग अ डैशबोर्ड create a wireframe okay and 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 try to add the charts okay and take a feedback from the client not from the client in the starting take a feedback from your colleagues okay and and build a build a rough dashboard and then ask for the feedback okay and use and and try to minimize uh, the number of the charts in a single dashboard so ऐसा आप शो कर सकते हो ऐसे आप बता सकते हो कि आपकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है मे बी आप मेरे से डिफर डिफर कर सकते हो आपकी कुछ और बेस्ट प्रैक्टिस होंगी सो यू कैन एड ऑन इट ओके सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ यू बिल्ड द डैशबोर्ड सो इसके पीछे बेसिकली पूछने का रीजन ये रहता है कि आप क्या प्रोसेस फॉलो करते हो एंड कैसे कैसे एक डैशबोर्ड बिल्ड किया जाता है और इसके पीछे पूछने का एक रीजन ये भी रहता है कि आपने डैशबोर्ड बिल्ड किए भी हैं या नहीं या फिर आप सपोर्ट या माइग्रेशन या फिर एनहांसमेंट के प्रोजेक्ट में वर्क तो नहीं कर रहे हो ओके सो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए इवन दो यू आर वर्किंग इन अ सपोर्ट और और इन अ एनहांसमेंट प्रोजेक्ट सो यू शुड नो की हाउ अ प्रोसेस वर्क टू बिल्ड अ डैशबोर्ड ओके फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड हाउ यू गेट द डटा हाउ यू गेट द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट देन हाउ यू गेट द डेटा देन what's the process you follow and after you building the dashboard you send the dashboard for the uat takes a user approval okay and then then this process continues until you get the feedback or or you can say sign off from the client then then you push the dashboard to the production okay so you should know all the process okay maybe kisi aur project mein ye ये, ये प्रोसेस अलग होता है क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि कि जहाँ पे काफी ज्यादा प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी कंसर्न रहता है तो वहाँ पे एक प्रोड सपोर्ट टीम अलग होती है बिल्ड करने के बाद आपको आपको टिकट रेज करनी पड़ती है देन देन प्रोडक्ट सपोर्ट टीम विल टेक दिस डैशबोर्ड एंड पब्लिश टू द प्रोड ओके सो दैट्स डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ओके so add add your thoughts in this, and next question पूछा गया था अगेन कि एक्सप्लेन वन ऑफ योर डैशबोर्ड विद इट्स फंक्शनैलिटी ये सिमिलर क्वेश्चन जो मेरे से इंटरव्यूअर uh, वन ने भी पूछा था तो ये इंटरव्यू में से पूछा गया था तो मैंने पे भी लाइक सी सिमिलर काइंड ऑफ आंसर दिया था कम्प्लेक्स डैशबोर्ड और बेस्ट डैशबोर्ड आप सिमिलर काइंड ऑफ थिंग आंसर कर सकते हो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में से पूछा गया था कि व्हेन वी क्रॉस टैब अ डैशबोर्ड व्हाई इट्स टेक टाइम टू लोड द डेटा ओके तो इसका मैंने आंसर दिया था कि इफ यू लुक एट द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ अ क्रॉस टैब सो इट जनरली टेक मोर टाइम एज कंपेयर टू अदर चार्ट्स और other things okay so so that that's why it takes time us time pe mereko itna idea nahi tha to be frank to jo mereko yaad tha bas yahi yaad tha ki cross tab zyada time leta as compared to chat to ye mereko wahi aata to maine wahi wahi is pe apna point on point add kiya tha okay so these are the questions from theory or you can say conceptual point of view फिर इसके बाद interview ने अपनी स्क्रीन शेयर की थी और ये मेरे से पांच question पूछे गए थे okay. फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाउ टू रिमूव एबीसी फ्रॉम द व्यू ओके अगर हम इसको समराइज uh, करें तो जब भी हम कोई भी फील्ड ड्रैग करते हैं व्यू में ओके लेट्स से आई हैव ड्रैग कैटेगरी तो उसके सामने एबीसी एबीसी आ जाता है okay. तो उस एबीसी को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं तो इसके आंसर मैंने अपनी में किया। वो दस वीडियो मैंने एड किए वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है आपके इंटरव्यू के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है चेकआउट ऑल द टेन वीडियो जहाँ पे मैंने हर वीडियो में चार पांच क्वेश्चन एड किए हुए हैं देर वर अराउंड फिफ्टी क्वेश्चन ऑन दैट सीरीज दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू ओके ये एक्चुअली मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐड किए हुए आई एम नॉट श्योर कि मैंने कौन से वाली वीडियो में कौन सा ऐड किया हुआ है, बट यू कैन चेक आउट ऑल द टेन वीडियोज़ दैट वुड बी रियली हेल्पफुल नॉट फॉर द इंटरव्यू बट योर पर्सनल नॉलेज एज वेल ओके

मैशर नेम और मैचर वैल्यू डिरेक्ट करो वहां पे फिल्टर में उसमें से जाके ओनली जस्ट जो हमने सिंगल मैशर ऐड किया हुआ है उसको सेलेक्ट करो ओके okay, तो वहां पे वो नेम शो करेगा ये भी मैंने अपनी इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज में डाला हुआ है क्वेश्चन आप चेकआउट कर सकते हो ओके थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था हाईलाइट द बार अबो और बिलो लाइन ओके कि ओकेट से कि एक एक बार चार्ट है वहां पे मेरे को एक कॉन्स्टेंट लाइन शो करनी है कि अगर मेरी सेल्स अबोव दिस एवरेज है तो दैट शुड बी इन ग्रीन अगर वो बिलो है अपनी वीडियो में डाला हुआ है यू कैन चेक आउट दिस और क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड टॉप वन टू टेन इलेवन टू ट्वेंटी एंड पेंडिंग कस्टमर्स एज अदर्स इन द टैब ओके दैट से वी है थाउजेंड ऑफ कस्टमर ओके अगर मेरे को पाई चार्ट पे एक एक मेरे को आ, क्या बोलेंगे इसको एक स्लाइस पे मेरे को टॉप वन टू टेन कस्टमर शो करना है एक स्लाइस मेरे को इलेवन टू ट्वेंटी कस्टमर शो करना है और बाकी सारे कस्टमर एक अदर स्लाइस पे शो करने है लास्ट लास्ट बेसिकली तीन स्लाइस चाहिए पाई चार्ट पे एक टॉप वन टू टेन कस्टमर के लिए एक टॉप इलेवन टू ट्वेंटी कस्टमर के लिए और एक स्लाइस पेंडिंग अदर कस्टमर चाहे चाहे वो जितने भी हो ओके सो उनकी मेरे को सेल्स शो करनी थी तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है ओके यू कैन चेक आउट दिस ओके और जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट एम टी डी एंड वाई टी डी लॉजिक एम टी डी इज मंथ टू डेट एंड वाई टी डी इज ईयर टू डेट और इसके लिए भी मैंने शायद मैंने इनको अपनी वीडियो में इंक्लूड नहीं किया हो बट आई विल प्रोवाइड द लॉजिक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओके so these are the questions that were asked to me in round two baad interview was very friendly he was asking me about my hobbies what i do in my free time okay what kind of music i listen so we discussed around five minutes on this about about i asked so many questions to the interviewer as well okay so there was very friendly nature uh, of the interview and i felt very very good key इंटरव्यू में लोग इतना इतना फ्रेंकली ये सब कुछ डिस्कस करते हैं सो so, ऐसा ऐसा मेरा एक्सपीरियंस पहली बार हुआ होगा मे बी शायद मेरा ही एक्सपीरियंस इंटरव्यू के साथ थोड़ा सा ठीक ठाक रहा है बट ये वाला इंटरव्यू मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ था आई फील वेरी वेरी हैप्पी की इंटरव्यू और ऐसे दिस काइंड ऑफ थिंग भी डिस्कस करते हैं ओके आफ्टर आफ्टर इंटरव्यू सो आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद दिस एंड इसके बाद एच आर एच आर टेक्स अराउंड फोर डेज गेट बैक टू मी अबाउट टू कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है कॉल फॉर एंड फाइनली आई गोट दॉम द जैनपैक ओके process works and हाउ se प्रोसेस tableau pe question से ज्यादा tak पे क्वेश्चन मुझसे आज तक किसी कंपनी like पूछा they totally tested my all the knowledge on the on the tableau okay

मेन स्किल क्या है क्यों अगर मैं इंटरव्यू अगर आप मेरे प्रोफाइल चेक करते हो तो यू विल फाइंड टेबल्यू पावर बी आई सिक्वल ओके अगर कोई मेरी प्रोफाइल चेक करेगा मेरे साथ इंटरव्यू ले रहा है तो उसको ये तीनों चीज आने चाहिए अगर मेन फोकस करेगा प्रोफाइल पे तो ही और शी कम टू नो कि मेरी जो प्रोफाइल है विच इज मोर फोकस ऑन टैब्लू सो मैं मैं बेसिकली टैब्लू से ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ तो द पर्सन शुड नो मोर अबाउट टैब्लू सो इससे आपको ना थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं इंटरव्यू में ओके okay. सो so, इस वीडियो के लिए टिप्स यही रहेगी कि सर्च अबाउट योर इंटरव्यूअर

फोर कंपनी है इस क्लाइंट so, जिस, कि के, के लिए काम करना है ओके okay. तो ये दो पैरामीटर मेरे लिए मेन थे एंड आफ्टर दैट ऑफकोर्स सैलरी फैक्टर तो है ही है जिसके लिए सब लोग स्विच करते हैं एंड वो करते हैं ओके सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, है कि मतलब आई डोंट वांट टू सिट ऑन अ बेंच कि मैं अगर कोई नई कंपनी ज्वाइन कर रहा हूं तो दो दो तीन महीने बेंच पे रहूं देन आई गोट अ प्रोजेक्ट ओके आई आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम आई वांट टू वर्क ऑन इट आई वांट टू लर्न इट ओके सो दिस इज माय माय परस्पेक्टिव दिस इज हाउ यू कैन चूज फर्स्ट यू शुड आस्क यूर सेल्फ आपकी क्या प्रायोरिटी है ओके आपकी लोकेशन प्रायोरिटी है आपकी वर्क कल्चर प्रायोरिटी है आपकी मनी प्रायोरिटी है आपका प्रोजेक्ट प्रायोरिटी है आपको आपको आपकी लर्निंग ग्रोथ प्रायोरिटी है वर्किंग ग्रोथ प्रायोरिटी है सो यू शुड डिस्कस अबाउट यूर सेल्फ फर्स्ट कि मेरा फर्स्ट पैरामीटर ये होना चाहिए अगर ये टिक करेगा तो देन आई लुक फॉर द सेकेंड ओके सो दिस इज हाउ यू कैन चूज द बेस्ट कंपनी फॉर यूर सेल्फ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच गाइज इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे टून फॉर अपकमिंग पार्ट